पूर्वी दिल्ली के शास्त्री नगर में सड़क दुर्घटना में हो गई युवक की जान, तेज रफ्तार ट्रक को मारी टक्कर, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। पूर्वी दिल्ली में आए दिन हो रही हैं चोरी की वारदातें। शकरपुर में चोरों ने घर को बनाया निशान, लाखों का सामान किया गया गायब। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी पुलिस ने गाड़ी चोर का गैंग दबोचा, मामले में 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज लेने पहुंचे पुलिस वाले तो भड़के लोग, दिल्ली पुलिस के सिपाही द्वारा नाबालिग लड़की के साथ रेप करने का है पूरा मामला। और कड़कड़डूमा में निजी स्कूल के टीचर्स ने एक ही दिन की सांकेतिक हड़ताल, स्कूल मैनेजमेंट की नीतियों के विरोध में की हड़ताल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। शास्त्री नगर से अपने घर जा रहे व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई है। व्यक्ति अपने घर जा रहा था तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से घायल हो गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे GTB अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। मामला ये था, मेरे लड़के थे, ये बवाना में हम लोग रह रहे और ये रह रहे थे शास्त्री पार्क। तो ये परसों का केस है, ये लड़का अकेले थे हमारे 10 बजे दिन में, और रात में जो है ना इसका एक्सीडेंट हो गया वहाँ शास्त्री पार्क लाल बत्ती के आसपास। किस चीज़ से गए? ये पैदल जा रहे थे। एक्सीडेंट का ये पता लगा है कि वो बड़ी गाड़ी होती है ना, ये ट्रक, उससे हुआ है। शादीशुदा थे, 3 बच्चे थे, उसमें एक इंतकाल हो गए और दो है उसमें, एक लड़का एक लड़की है। पुलिस वालों का कहना है कि हमने वहाँ पहुँचे हैं तो 100 नंबर पे कॉल गया था, तो 100 नंबर ने हमको कांटेक्ट किया। उसके बाद हमने पूछे कि भाई ये गाड़ी पकड़ाई कि नहीं पकड़ाई, तो बोला कि हमको तो अभी कोई गाड़ी का ही नहीं मिला। तो दूसरा आदमी ने कॉल किया था, तो उसी के जरिए से जो हम पहुँचे। दिल्ली पुलिस हमेशा तैनात होने के दावे करती है, मगर कई बार हकीकत कुछ और ही निकल कर सामने आती है। खबर पूर्वी दिल्ली के शकरपुर थाना इलाके से है, जहां चोरों ने एक घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बेखौफ चोर घर के से लाखों की ज्वेलरी, कैश समेत कीमती सामान लेकर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित का कहना है कि चोरों ने शाम के वक्त इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार ने जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़ने की मांग की है। राजधानी दिल्ली में चोरों का जो हौसला है वो इतना बुलंद हो चुका है कि वो अपनी वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। अब चाहे वो दिन हो चाहे वह रात हो, वो अपनी वारदातों को देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। वहीं जो मामला है पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके से हैं, जी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यही वो घर है जहाँ बीते मंगलवार को शाम 4 से 5 बजे करीब दो चोर आकर घर में रखा कैश और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर फरार हो जाते हैं। और मैं साथ ही आपको दिखाना चाहूँगा ये जो गेट है इस पर चोर आकर कटर से इसको काट कर घर में जाते हैं और साथ ही घर में रखा ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो जाते हैं। और इसी में हमारे से बात करने के लिए मौजूद हैं पीड़ित, सीधे बात करते हैं। वो इस कमरे का लाइट जला हुआ था, ये भी ताला काट के यहाँ गिरा हुआ था, और जब देखी सामने तो सारे सामान, ये अलमारी का दरवाज़ा तोड़ के, लॉकर तोड़ के ये सामान सब नीचे गिरा था। ये दोनों दीवान का जो दोनों कवर है पलटा हुआ था, कुछ जेली इसके अंदर रखा था, कुछ जेली दीवान के अंदर हम रजाई विजाई के अंदर ढक के ब्रीफ केस में रख दिए, जैसा कि आपको सामने ये ब्रीफ केस दिख रहा है। और भी थोड़े बहुत कागजात थे, सारा कागजात जो है वो सर्च करके यहीं छोड़ के चला गया। आधे पौन घंटे के अंदर पुलिस आई, फिर और भी अधिकारी सब आ गए और फिंगरप्रिंट्स भी ले गए हैं, फुटेज भी ले गए हैं, फोटोग्राफी वगैरह का सब करके ले गए हैं। सारा सामान यहाँ बिखरा हुआ था और कोई घर में कोई ज्वेलरी या कैश नहीं बचा और सब लेके चला गया था।
सीसीटीवी देखने के बाद 12 मिनट से 14 मिनट उनको लगे हैं और 14 मिनट में वो निकल के चले गए। पिक्चर उसमें साफ आ रहा है, पुलिस को सारा सुपुर्द कर दिया गया है। जैसे कि आपने देखा कि बीते मंगलवार 4 से 5 बजे के बीच में जब घर वाले थे वो बाहर जाते हैं और उसी बीच 10 मिनट के अंदर ही चोर घर में घुसकर लाखों की ज्वेलरी और कैश, घर में रखा हुआ कैश लेकर फरार हो जाते हैं। अब बात करें, आप देख सकते हैं जो अलमारी है इसे मतलब तोड़ कर कटर से काट कर इसमें रखा कैश और ज्वेलरी लेकर फरार हो जाते हैं। अब बात करें कि जो बदमाशों के जो हौसले हैं वो इतने बुलंद हो चुके हैं कि चाहे रात हो चाहे दिन हो, अब उन्हें पुलिस का भी अब खौफ नहीं रहा। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ कुणाल शर्मा, सीसीएन न्यूज़, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी पुलिस ने गाड़ी चोरी गैंग के एक मेंबर को दबोच लिया है। इसकी 2 दिन की पुलिस रिमांड ली गई है। इसकी निशानदेही पर अमरोहा से चोरी की 3 कारें रिकवर कर ली गई हैं। पुलिस ने फिर 2 दिन की रिमांड बढ़वाई है। इसके 2 साथियों को दबोचा गया है। इनसे बाइक और स्कूटर बरामद कर लिया गया है। 3 आरोपियों के पास से कुल 11 गाड़ियां मिली हैं। पुलिस के मुताबिक 12 सितंबर को गाड़ी चुराने वाले गैंग के बारे में सूचना मिली थी। गैंग के बारे में पता चला था कि ये यूपी के अमरोहा, मुरादाबाद, हापुड़ इलाके में गाड़ियों को ठिकाने लगाता है। ESI नरेश कुमार की टीम ने 14 सितंबर को गीता कॉलोनी के पुश्ते के ताज इनक्लेव के करीब से गैंग के मेंबर दानिश को गिरफ्तार कर लिया। इसकी निशानदेही पर अमरोहा से 3 कारें रिकवर हुई हैं। इसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे भी बाइक और स्कूटर बरामद किए गए हैं। जांच के दौरान 11 में से 8 गाड़ियों के मालिकों की पहचान हो चुकी है, जबकि 3 के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। गैंग ने अधिकतर वारदातें यमुना पार में ही की हैं और 24 केस को सॉल्व किया है। उत्तर पूर्व दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में एक सिपाही ने 16 साल की किशोरी से यमुना खादर में दुष्कर्म किया था, जिसके बाद स्थानीय लोग थाने पहुंच गए थे और थाने पर हंगामा कर दिया था। सिपाही के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और देर रात उसे बर्खास्त भी कर लिया गया था। मामले में 2 पुलिस वालों को सादी वर्दी में सीसीटीवी कैमरे को चेक करने भेजा गया था। वो पीड़ित की गली में एक घर से DVR उठाने लगे तो केवल कारोबारी ने बगैर SHO के निर्देश के देने से इनकार कर दिया। इस पर रेप का मामला सार्वजनिक हो गया। लोगों का आरोप है कि 3 पुलिस वाले बाइक पर लड़की को लाने और ले जाने की फुटेज नष्ट करने आए थे। वह पूरे रूट में पड़ने वाले CCTV कैमरों की DVR अपने कब्जे में लेने गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। मुझे यह बताया ऐसी बात हुई है, मेरी मम्मी मेरे बात ये से ना मेरे साथ में ये गलत काम किया है और यही बताया, हमारी लड़की को यहाँ से ले गया। मुझे मैं जब तक गई था वो इसने वो ऑटो को जब तक भगा के ले गया और मैंने बच्चों के साथ में मैंने जल्दी पकड़ ली कर पाई और इधर उधर मैं फोन में लगी रही कि अपने रिश्तेदारों को इतनी देर हो गई कि मैं फोन करूँ कि मैं क्या करूँ। मैं पहले 2-3 दिन पहले मेरे मम्मी पापा से मेरा झगड़ा हो गया था तो मैं गुस्से की वजह से अपने फ्रेंड के घर चली गई थी। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने मुझे समझाया तो जब मैं घर पे नहीं थी तो मेरे माँ बाप न्यू सीलमपुर में पुलिस वाला घर आया। मेरे नाना थे मेरे साथ तो उसने कुछ गलत नहीं बोला था। फिर ये सुबह जब आया तो मुझे तीसरे पुस्ते के नीचे ले गया, मुझे झाड़ियों के नीचे। वहाँ पे मैंने ये जबरदस्ती ले जा रहा था तो मैंने बाइक से कूद गई थी। पानी भरा हुआ था वहाँ पे बहुत सारा तो मैं कूद गई थी। तो इसने क्या करा कि हाथ पकड़ लिया मेरा बहुत कसकी और क्या कहते हैं दूसरे हाथ से इनने मुंह पकड़ लिया ताकि मैं बोल ना पाऊँ। और फिर इनने जबरदस्ती करके मुझे बाइक पर बिठा के ये झाड़ियों के अंदर ले गया। मेरे साथ बहुत गलत किया। गलत करने के बाद मैंने इससे बोला कि मुझे घर छोड़िया। इनने मुझे धमकी भी दी कि क्या कहते हैं माँ बाप को नहीं बताना। मैं क्यों नहीं बताती, मैं माँ बाप को बताती। फिर मैंने घर पे आके माँ बाप को बताया, ये छोड़ने नहीं आ रहा था घर। मैं बहुत रोई, मैंने इसके हाथ जोड़े। थाना उस्मानपुर की पुलिस ने उसी थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब उस पे एक नाबालिग लड़की से रेप के गंभीर आरोप लगे। पीड़ित के परिजनों का कहना है कि जो लड़की थी उसको कार्रवाई के नाम पर ये पुलिसकर्मी उसके घर से लेके जाता है, जिसके बाद एक सुनसान जगह पर उसके साथ ये दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता है।
और बाद में उस लड़की को उसी के घर पे छोड़ आता है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब लड़की ने अपने परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई और पुलिसकर्मी पड़ोस की दुकान पर जाते हैं ताकि वहाँ का CCTV फुटेज वो चेक कर सके। पड़ोसियों को इस बात की पता चलता है, जिसके बाद वो थाने के बाहर आकर पूरा हंगामा करते हैं और इस बात की सूचना जो है और लोगों तक भी पहुंचती है, जिसके बाद पुलिसकर्मी पे एक्शन लिया जाता है, उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में पॉक्सो एक्ट और रेप की धाराओं में मामला दर्ज कर लड़की को बयान के लिए 164 के बयान के लिए कोर्ट में भेज दिया है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ मैं अदिति CCN। पूर्व दिल्ली के कड़कड़डूमा के एक निजी स्कूल की सभी टीचर्स ने स्कूल मैनेजमेंट की नीतियों के विरोध में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल स्कूल के गेट के बाहर की। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल मैनेजमेंट द्वारा टीचर्स को सरकारी घोषित सैलरी से बहुत कम सैलरी दी जा रही है। टीचर्स का धरना पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। उन्होंने राम धुन गाते हुए और अपनी मांगों को दोहराते हुए धरना दिया। काफ़ी लंबे समय से लगातार मांग के बावजूद जब मैनेजमेंट द्वारा मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो टीचर्स ने कोर्ट में अपील दाखिल की है। हम 6 और 7 पे कमीशन के लिए फाइट कर रहे हैं और जब से हमने फाइट किया है हमारे स्टाफ में हमारी वाइस प्रिंसिपल को उसको डिमोट कर दिया गया है और हमारे एक सीनियर लाइब्रेरियन है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। वो हाई कोर्ट से? हाँ जी, और हाई कोर्ट से फिर हम वापस आ गए हैं वो अपनी ड्यूटी पर। और स्टूडेंट्स का यूज़ किया जा रहा है, टीचर्स के अगेंस्ट उनसे डिक्टेट करके उनको उनसे लिखवाया जा रहा है। सर, मांगे तो पूरी होनी चाहिए, जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है तो इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है और सैलरी तो हमारा राइट है सर, वो हमें मिलना चाहिए। अगर नहीं पूरी होंगी तो हम फिर सर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे आगे चल के। अभी हम ये नहीं करना चाहते क्योंकि अभी हम स्टूडेंट के फेवर में ही चल रहे हैं। अभी हमें लगता है कि स्टूडेंट का भविष्य हमारे हाथों में है, हमें उनको संभाल के रखना है। कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं मान रहे ना सर ये, तो इस वजह से हमने DOE ने, अब तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ने भी का ऑर्डर आ चुका है कि हमें 4 फरवरी से पहले इन्हें देना है, लेकिन उसके बावजूद नहीं दे रहे हैं। अभी तो हमारी आज 1 डे स्ट्राइक है, टोकन स्ट्राइक है। अगर ये नहीं सॉल्व होती है, हरासमेंट बंद नहीं होती है, देन वी विल थिंक ओवर इट कि हमें क्या करना है। अभी फिलहाल तो हमारा 1 डे का ही है। तो आपने स्ट्राइक करी, ठीक है, उससे पहले आपने अंदर मैनेजमेंट से बात तो करी? बात करी, उन्होंने कहा मेमोज, हमने बोला कि हमारे अभी शो कॉजेज और मेमोज जो हैं वो रिवोक कर लें और उसको एक्सपंज कर दें। तो उन्होंने कहा एक लास्ट वाला मेमो कर लेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो हमने कहा नहीं, सभी हमारे आफ्टर द फाइलिंग ऑफ केस जो हमारे कुछ शो कॉजेज दिए गए हैं, मेमोज दिए गए हैं, वो रिवोक कर लें। देखिए, मेरे पास काफ़ी पेरेंट्स के फ़ोन आए थे जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और जो हमारे क्षेत्र में रहते हैं। उन्होंने बताया कि जो है स्कूल में शायद स्ट्राइक हो रही है और पेरेंट्स बहुत पैनिक सिचुएशन में थे। उनका ये सवाल था कहीं स्कूल ऐसा तो नहीं कि स्कूल बंद होने वाला है, ऐसा क्या पंगा हो रहा है स्कूल के अंदर, क्यों स्ट्राइक हो रही है? क्योंकि टीचर्स स्ट्राइक ये आमतौर पर होता नहीं है प्राइवेट स्कूल में। तो फिर मैंने आके यहाँ पे पहले टीचर्स से भी पता किया उनकी क्या समस्याएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो कोर्ट केसेस हैं, जो सब हैं, और इसके बारे में जाके मैंने उनसे प्रिंसिपल से भी बात करी और उनको भी यही संदेश दिया है कि जो है जो भी डिस्कशन हो, जो कुछ भी हो, वो गेट्स के अंदर रहे, स्कूल के गेट्स के बाहर ना आए तो अच्छा रहेगा। इसमें स्कूल का नाम ख़राब होता है, बच्चों का कॉन्फिडेंस हिलता है, तो कोशिश है इसको एमिकेबली हम लोग रिजॉल्व करवा दें। शाहदरा साउथ जोन में आयोजित मीटिंग में पार्षदों ने कई मुद्दे उठाए। इसमें निगम अधिकारियों की टीम का मार्केट जाकर सर्वे करने का मुद्दा सबसे अहम रहा। पार्षदों ने मीटिंग में कहा कि जो अधिकारी मार्केट में जा रहे हैं वे उन दुकानदारों को से पी कन्वर्जन चार्ज वसूलने की बात कर रहे हैं जो कि इसके दायरे में आते नहीं। आपको बता दें, जिस पर जोन चेयरमैन कंचन महेश्वरी ने कहा कि निगम कमिश्नर को कन्वर्जन चार्ज डिपार्टमेंट के लोगों को ही सर्वे के लिए भेजना चाहिए था, अन्य डिपार्टमेंट को भेजने के कारण ये समस्या हो रही है। देखो, यहाँ पे जहाँ कन्वर्जन के लिए यहाँ पे जहाँ सर्वे शुरू कराए गए हैं, मेरा बहुत सी जितनी भी हमारे एजेंसी हैं ये जो सर्वे करने में लग गई हैं, एक तो 2 नुकसान हो गए हैं, सर्वे से पैनिक फैला। दूसरी बात, जिस डिपार्टमेंट को इस काम में लगाया गया है उसके काम का भी हर्ष हो रहा है, वो काम हो नहीं पा रहे। और जिस JEE को गड्ढा भरने का ध्यान रखना चाहिए या क्षेत्र में होने वाली सड़कों पे जो चीज़ों की उसको देखभाल करनी चाहिए थी, उन सभी वर्क्स के JEE को इस काम में लगा दिया गया है, जिससे कि हमारे दूसरे काम सफल कर रहे हैं। और दूसरी जगह ये है कि अगर हम छोटी छोटी दुकानें कोई खोल के बैठा हुआ है, अगर कोई विडो है वो अपनी दुकान चला रही है अपने घर परिवार को पालने के लिए, एक छोटी सी दुकान है, उसका 500-700 रुपये रोज का वो सामान लाती है, उसे बेचती है, तो मुझे नहीं लगता कि
वो हमारे को कन्वर्जन देने में समर्थ है। छोटी सी दुकान खोल के बैठी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो नोटिफाई रोड है जहाँ से हमें कन्वर्जन आना चाहिए सही मायने में, और जहाँ मिक्स एंड यूज़ है, और जो जहाँ पे पेडेस्ट्रिंग से हमें कन्वर्जन आना चाहिए, मेरा मुद्दा ये है कि आपने क्या वहाँ से पूरी तरह से कन्वर्जन ले गया? 100% आपके पास अगर वहाँ से कन्वर्जन आने लग गया है तो आप छोटी छोटी गलियों में जाइए। हम उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं करते। हमारे सभी पार्षद सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि जहाँ से कन्वर्जन आना चाहिए पहले आप वहाँ पे जाइए। छोटी छोटी गलियों में, छोटी छोटी दुकानों पे आप जाके वे वजह उन्हें परेशान ना करें। और आने वाले समय में अगर इसके लिए हम सबको आंदोलन भी करना पड़ा तो हमारे सभी पार्षद अपने अपने क्षेत्र में इसके लिए तैयार हैं कि वो छोटी छोटी गलियों में होने वाले कन्वर्जन के साथ बिल्कुल भी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्व दिल्ली के ज्वाला नगर के प्राइमरी स्कूल में स्कूली बच्चों को पीएम मोदी के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान योगेश भाटी ने कहा कि हमने अपनी टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्ज्वल भविष्य की कामना के लिए साप्ताहिक सेवा सप्ताह कार्यक्रम को 16 सितंबर से 20 सितंबर तक मनाया है, जिनमें हर दिन अलग अलग जगह जाकर पीएम मोदी के बारे में लोगों को जानकारी दी गई है। मोदी जी का जन्मदिन था 17 सितंबर को, और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने ये फैसला किया कि 16 से 20 तारीख तक उनके जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाए। और झिलमिल मंडल आज तीसरा प्रोग्राम है। हमने प्राइमरी स्कूल के अंदर, ये जो जिस स्कूल के आगे हम खड़े हैं, इस स्कूल में हमने बच्चों को बिस्किट के पैकेट बांटे हैं सभी बच्चों को। यहाँ पर हम पूरे हफ्ते एक इस कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, कभी बच्चों के साथ, कभी पेशेंट्स के साथ, और अभी हम सेवा के लिए शमशान घाट भी जा रहे हैं। तो हम सब कार्यकर्ता मिल के इस सेवा सप्ताह में पूरे जोश शोर से मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी का 14 तारीख से 20 तारीख तक अशोक जी सप्ताह मनाया गया। इसमें हमने अनेकों कार्यक्रम कर रहे हैं और सभी देश भर में यह कार्यक्रम चल रहा है। तो इसमें हम यही कहते हैं कि जनता की सेवा लास्ट व्यक्ति तक जितनी पहुंच सके उतने हमारी भाव बना हुआ है, और हम चाहते हैं कि सभी देश के लास्ट आदमी, गरीब से गरीब तक की अपनी जो है सेवा भाव पहुंचे, यही हमारी इच्छाएं हैं। हम सभी मोदी जी के प्रेम में हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये डिसाइड किया कि भाई इसको एक सप्ताह के रूप में 14 से लेके 20 तारीख तक इसको मनाया जाएगा। आज यह प्रोग्राम हमारे झिलमिल मंडल के अध्यक्ष श्री गिरजेश रस्तोगी जी की अध्यक्षता में यहाँ पे प्रतिभा स्कूल में किया गया है। इसमें 500-600 बच्चे हैं, तो हर बच्चे को हम एक गिफ्ट के रूप में चॉकलेट वाला की बिस्किट का पैकेट है सबको वितरित किया। वहाँ सफाई अभियान भी अम्बेडकर पार्क में हम चलाएंगे शमशान घाट पर। ये हमारा प्रोग्राम बीजेपी कार्यकर्ता मोदी जी के उपलक्ष्य में मना रहे हैं। पूरा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो बात मोदी जी कहते हैं, बच्चों का विश्वास जीतने के लिए जो है, देखिए बच्चों को अनेकों प्रकार से व्यंजन बांटे जा रहे हैं और आज सभी लोग मिलजुल करके बच्चों के पास में पहुंचे हैं। पूर्व दिल्ली के नेताओं ने अलका लांबा की सदस्यता खत्म करने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि 3 से 4 महीने में उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, ऐसे में आम आदमी पार्टी ने जो उनके साथ किया वो सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी के नाते हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अलका लांबा जी आम आदमी पार्टी में है या कांग्रेस में है। वो परिक्रमा करती रहती हैं दोनों पार्टियों की, लेकिन एक बात जरूर साबित होती है कि आम आदमी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, महिलाओं के सम्मान नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पे आम विधायकों का और महिलाओं का दम घुटता है, इसीलिए वो बाहर जाने के लिए आतुर रहती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलका लांबा जी को पूरा सुनने का समय नहीं दिया गया, तो आंतरिक लोकतंत्र की कमी प्रमाणित होती है। और जब 2-3 महीने ही बाकी थे अगले चुनाव में, तो उनको अयोग्य घोषित करना या ना घोषित करना ये कोई खास मायने नहीं रखता था। तो भी उन्होंने इतनी जल्दबाजी दिखाई कि 2-3 महीने विधायकी के बच्चे हुए हैं और उसी में उनको निष्कासित किया। और महिलाओं के नाते सोचा जाए, बहनों के नाते सोचा जाए, तो एक गलत कदम है। कितने महिला विधानसभा में आ पाती हैं, कितनी महिला कार्यकर्ता, उनका सम्मान होना चाहिए, उनको उचित स्पेस मिलना चाहिए, उनको सुना जाना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी में सब नहीं मिला, इसीलिए शायद अलका लांबा जी वहाँ से गई होंगी। ऐसा है कि उनकी विचारधारा कांग्रेस की थी और वो NSY प्रेसिडेंट भी रही दिल्ली की और महिला कांग्रेस की ही पोस्टों पे रही, लेकिन उनको कुछ ऐसा हुआ
उन्होंने आप ज्वाइन की, कुछ सोच के की होगी, और उनके दिल में तो कांग्रेस है। और सबसे बड़ी बात है कि उनको जो बात बुरी लगी राजीव गांधी वाली, जो उन्होंने राजीव गांधी के खिलाफ प्रस्ताव पास कराना चाहा और उसके लिए बोली और केजरीवाल को बुरा लगा, तभी से इनकी तकरार शुरू हो गई। हमारी पार्टी में अगर कोई हमारी विचारधार वाला आता है और कांग्रेस का समर्थन करता है कि आप पार्टी केजरीवाल जी का चाहे कोई भी हो, ये गलत कदम है और तानाशाही पूर्ण कदम है। एक महिला है, मेंबर है, और इधर से हम महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, और इस तरह से अब कुछ टाइम ही रह गया चुनाव का। उनको काफ़ी समय से इग्नोर कर रहे थे, बहुत अच्छा वो कार्य कर रही थी अपने इलाके में और काफ़ी उनकी प्रसिद्धि हो रही थी और लोग उनको बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे थे। इससे उनको घबराहट हुई क्योंकि केजरीवाल नहीं चाहता कि उनके सामने कोई दूसरा लीडर पैदा हो, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। और काफ़ी समय से वो काम तो करती रही हैं लेकिन पार्टी उनको इग्नोर कर रही थी, और जब किसी को पार्टी इग्नोर करे तो पॉलिटिकल आदमी को तो सम्मान चाहिए, काम करने का प्लेटफॉर्म चाहिए। तो जो वो सोच रही है सही सोच रही है और कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। शाहदरा फ्लाईओवर से जब आप सीलमपुर जाएंगे तो दूर से ही छत पर खड़ी जेसीबी मशीन इन दिनों आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दरअसल ये दिल्ली जल बोर्ड ने टंकी तोड़ने के लिए छत पर जेसीबी मशीन को लगाया हुआ है। 60 फीट की ऊंचाई पर जेसीबी मशीन को देखकर लोग हैरानी से देखते नजर आ रहे हैं। फ्लाईओवर पर दोनों कैरिजवे दूर से ही जेसीबी दिखाई देती है, तो लोग जब पास में पहुंचते हैं तो अपनी गाड़ी धीमी करके देखने लगते हैं कि आखिर माजरा क्या है जो जेसीबी ऊपर है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर सीसीएन डैन को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट पूर्व दिल्ली की लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सीसीएन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।